गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हाँ प्रकाश, गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। आज की ब्लॉग किसका करें, बस अड्डे से। तो बस जस्ट अभी जा रहा नाश्ता करने के लिए, तब तक प्रकाश मिल गया। प्रकाश की चौक देख रहा हूँ मैं, अभी जस्ट मिला मैं तो मेरी ड्यूटी तो अभी वहीं से है, नमामि गंगे डांस स्कूल से एयरपोर्ट ब्लॉग जाना है। यहाँ पर तो मैं रुका था ना, मैं आज यहीं रुका था, मैं रूम पे जाके थे। तो बस दिनेश रूम पे ही है, उसकी मम्मी आती है। तो बस अब जाऊँगा वहाँ, 1 बजे का ड्रॉपिंग है, फिर वहाँ से 3 बजे का पिकअप है। जो पिकअप विकअप करके मस्त है। मैं तो सोचा था ऑफिस खोलने आ जाता हूँ, खुला हुआ है ऑफिस, कॉल आया था, देखा तो खुला हुआ है। चलो सिस्टम तो बड़ा हैंग है। चलो मिलते हैं फिर जल्दी आपसे शिवपुरी में, नमामि गंगे में, ठीक है ना। भी आए हैं हम यहाँ पर छोले चावल खाने बस अड्डे के पास। तो हाफ है 30 रुपये का, 50 रुपये फुल, तो हाफ आएंगे यहाँ पर एंटरटेनमेंट। चलिए ठीक है, फिर इसको खाते हैं, फिर ड्यूटी भी आना है ना। मज़ा आ गया। तो दोस्तों अभी आ गया हूँ मैं यहाँ पर नमामि गंगे होटल में। यहाँ शादी की पार्टी है, तो शादी का रिसेप्शन चल रहा है, तो मैंने अपनी गाड़ी यहाँ लगा ली है। देखते हैं 1:30 बजे का बुरखा ड्रॉप करने के लिए, तो उसको ड्रॉप ड्रॉप करके फिर वहाँ से 2:30 बजे का पिकअप भी है, तो लेट भी आती है, कभी 3 बजे आती है। देखते हैं क्या होता है, कैसा होता है, जैसे भी रहेगा बताते रहेंगे आपको, दिखाते रहेंगे, ठीक है। फ्रेंड्स आपको ले चलते हैं जहाँ पार्टी हो रही है, तो वो फंक्शन कैसे एकदम डेकोरेट कर रखा है, ये देख रहे हैं। नमामि गंगे शिवपुरी में है, काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी भी है, लेकिन शादी फंक्शन के लिए काफ़ी मस्त इंतज़ाम है। देखिए ये है पूरा अरेंजमेंट। है ना, कितना अच्छा अरेंजमेंट और व्यवस्था भी है, एकदम डेकोरेशन। सो फ्रेंड्स मैं तो वहां से निकल चुका हूँ नमामि गंगे से रिजॉर्ट से। एक्चुअली मेरी घर से कंटिन्यू कॉन्टेक्ट हो रहा था, तो मैंने उनसे पूछा सर कितने में निकल जाते हो आप। पहले उन्होंने बोला कि 12 बजे निकलेंगे, फिर जब मैं वहाँ पहुँचने वाला था तब उन्होंने कहा कि हम 1 बजे करके मिल गए, 1 या 1:30 निकलेंगे। तो एक्चुअली क्या था, मेरा शेड्यूल था कि मेरा वहाँ से पिकअप भी था एयरपोर्ट से 2:20 का, 2:30 बजे का पिकअप था, तो मैंने बोला चलो 1:30 निकलेंगे तो 2:30 बजे तक मैं पहुँच जाऊँगा ईजिली, हो जाएगा, तो मैं वहीं वेट कर था। मैं फिर उनको दोबारा कॉन्टेक्ट किया, सर मैंने क्या 2 बजे फिर कॉन्टेक्ट किया उनका, मैंने सर क्या है मतलब आप कितने में निकलेंगे एक्चुअली बता दीजिए, क्योंकि मेरे पास पिकअप है वहाँ से आपका वो करके, मैंने पिकअप पकड़ लिया वहाँ सर सवाल लाने के लिए। तो उन्होंने रवि वी विल लीव लास्ट 2:40, तो 2:40 पे हम निकल जाएंगे यहाँ से। तो मैंने बोला सर 2:40 निकल जाएंगे, तो फिर क्या हुआ कि मैंने फिर चाचा जी की गाड़ी थी अपनी दूसरी गाड़ी 4014 को, मैंने चाचा जी को बोल दिया, मैंने आज कह दीजिए आप आ जाइए यहाँ पर, डिपार्चर आप दीजिए इनको और मैं वहाँ से पिकअप कर लूँगा। क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि मैं अपना नंबर दे चुका था ताज की गेस्ट हैं, तो इस वजह से मुझे ही वो पिकअप करना था, अदरवाइज नहीं तो मैं चाची को बोल रहा था कि चाची आप जाइए वहाँ पिकअप कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये है, तो अब देखिए ऐसा भी हुआ था हमारे साथ। चलिए अभी मैं भद्रकाली पहुँच चुका हूँ और फ्लाइट थोड़ा लेट है, तो जिस वजह से मेरे पे टाइम है, मैं आराम से पहुँच जाऊँगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं एयरपोर्ट में। तो फ्रेंड्स आ गए हैं टाइम से, मुझे जल्दी भी हो रही, तो इसलिए मैंने वेज बिरयानी ऑर्डर कर रखी है ना, क्या बोले होता है दस मंगा। और वो गेस्ट का फोन अब आया, मुझे 2:55 पे आया, लगा लो कहाँ 2:40 फोन था, 2:55 पे आया, तो मैंने बोला बाबा उसके चक्कर में रहता था, मैं तो यहाँ से भी जाता वहाँ से जाता, अब भूख भी लग रही थी काफ़ी ज़्यादा। तो भाई तो राजा लेता रहता का टेस्ट करता है, खाना जाएगा।
भाई जी ने खाया वेज बिरयानी, टेस्टी रहा था वेज बिरयानी विद क्या बोलते आप, मसाला मसाला हाँ भाई जी, राजमा चावल, कड़ी चावल। ठीक है, बहुत मिलते हैं। सो गाइस, सवारी को छोड़ छाड़ दिया है यहाँ पर ताज, है ना। चलते हैं हम यहाँ से घर की ओर चलते हैं, जल्दीबाजी में की थी आज सब डूट जाटी, बहुत एकदम हेक्टिक टाइट शेड्यूल हो गया था। ठीक है, फिर जल्दी मिलते हैं आपसे। फ्रेंड्स, अभी हम पहुँच गए हैं ब्यासी में, यहाँ रुका हुआ। ओ, गाड़ी में छलांग मार गया ये बंदा, देखो अभी दवाई के रुके हैं। अब सुरेंद्र भाई है, मस्त समा खा जाएंगे, स्माइल देखो, है ना। चलो फिर, अभी गाड़ी तो मेरी वहाँ खड़ी करके, अब चलते हैं यहाँ से। दवाई दवाई ले लिए, सब जाएंगे भाई भाई साथ जाएंगे, अभी टाइम है, 21 मिनट बचे हैं। चलते हैं फिर, देखते हैं आज क्या सीन होता है फिर शाम का। तो गाइस, आज का दिन ऐसे ही रहेगा, फ्यूल भरा गाड़ी में, जो भी था जैसे भी था, ड्यूटी वाटी खत्म करी, देखते हैं कल का क्या होता है। अभी तो आज का तो हो गया, जैसे जैसे दिन ढल गया रात हो गई, ठीक है ना। गुड नाइट, टेक केयर, लव यू, बाय बाय, सी यू सून, जल्दी मिलते हैं हम आपसे। अभी टंकी बहुत ज़्यादा, देखते हैं कल कौन से ड्यूटी आते हैं, ठीक है ना। मिलते हैं अभी जल्दी।